भारत कभी जिंदाबाद। मुबारक آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين حضرات علماء الكرام سنی ادبی سوسائٹی انٹرنیشنل موریشس کے اراکین جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دور دور سے آ کر شریک ہونے والوں دین کی خدمت کرنے والوں ٹوڈے از ٹیسٹ ڈے ٹوڈے از سلیکشن ڈے ٹوڈے इस इलेक्शन डे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा सारी बात आप सुन चुके हैं मैं सिर्फ दो चार बात करके आपको बताऊं कि आज का दिन क्या है दोस्तों मोहब्बत का दावा बड़ा आसान है मोहब्बत आपको है विदाउट लव नो वन इन दिस वर्ल्ड बगैर मोहब्बत के कोई आदमी आज की दुनिया में नहीं है दो चार बात है सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं बेटे को बाप से मोहब्बत है बाप को बेटे से मोहब्बत है एवरी पर्सन लव समवन इन दिस वर्ल्ड हर आदमी किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करता है इफ यू आर इन ह्यूमन बीइंग यू मस्ट लव समवन ये प्रिंसिपल है उसूल है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग है कि हर आदमी किसी न किसी से मोहब्बत करता आपको भी मोहब्बत है फिर मुसलमान जिससे भी पूछिए वो कहता आई लव माय होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं आई एक्सेप्ट मैं तस्लीम करता हूं कि मुसलमानों को नबी से मोहब्बत है मैं जानता हूं कि हर मुसलमान नबी से मोहब्बत करता है लेकिन हाउ यू लव जानते हो देयर इज मेनी डिफरेंसेस To know is other thing. जानना किसी बात का और बात है और मानना to believe is another thing. जानना और बात है और मानना और बात है
देखा, उत्मा ने भी देखा, शैवा ने भी देखा, मुनाफिक भी कहते थे कि हम नबी को जानते हैं, नबी से हमारा ताल्लुक है। लेकिन नबी को जानने के लिए, नबी को मानने के लिए कोई अबू बकर सिद्दीक हो तो वो नबी को मान सकता है, कोई फारूक आजम हो तो नबी को मान सकता है, कोई उस्मान गनी हो तो नबी को मान सकता है, कोई अली हो तो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो नबी को मान सकता है। जाहिर है कि इस जमाने में ये नुफूस खुशिया कहां, ये तो बेमिसाल थे। मकसद ये है कि अगर इन हजरात का कोई गुलाम हो तो वो फिर नबी से मोहब्बत कर सकता है, नबी की मोहब्बत में और बाप बेटे की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में और मियां बीवी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में परिवार की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में फैमिली की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में कौस की मोहब्बत में। फर्क यह है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत न करो तो ये फतवा नहीं दिया जा सकता कि तुम बेईमान हो। बाप से मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। अगर कोई बदकिस्मत आदमी अगर बाप से मोहब्बत न करे, माँ से मोहब्बत न करे तो ये कहा जाएगा कि ये फासिक है, ये फाजी है, ये गुनहगार है, लेकिन काफिर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर नबी से मोहब्बत कोई ना करे तो मेरे दोस्तों शरीयत का फतवा ये है कि ला यूमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि व नास अजमईन। हदीस का फतवा यह है कि तुम्हें बेटे से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, लेकिन सोचो कि नबी से तुम्हें ज्यादा मोहब्बत है या कम। मेरे दोस्तों, मैंने पहला सेंटेंस ये कहा था कि टेस्ट टुडे इज टेस्ट डे। मुसलमानों, नबी को जरूरत नहीं कि यू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, नबी को कोई कम। तुम सारे नबी का दिन न मनाओ, नबी को जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह बेनियाज और उसने अपने नबी को भी बेनियाज पैदा किया। क्या मुसलमान ये समझता है कि वो बर्थडे में अगर आ गया तो उसने बड़ा काम किया? तुमने क्या काम, हमने क्या काम किया? सुनो, अगर तुम चाहते हो इस दुनिया में मुसलमान बनकर रहना चाहते हो तो नबी का नाम लेना पड़ेगा, नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और नबी की मोहब्बत, मेरे दोस्तों, मैंने कहा था कि ये एक्शन डे। मुसलमानों की सूरत को देखो, कौन मुसलमान आज घर में बैठा हुआ है, कौन मुसलमान ड्यूटी पर है, कौन मुसलमान अपनी दुकान पर है और कौन मुसलमान नबी के नाम पर जान बदले। ये कहना कि जी आई लव होली पान की, मुझे नबी से मोहब्बत है, कि आपको नबी से मोहब्बत है। सुनो सुनो, मेरा नबी बड़ी शान वाला, बड़ी आन वाला। अल्लाह ने नबी को वो मर्तबा दिया कि सारी दुनिया अगर नबी के खिलाफ हो जाए तो नबी का कुछ नहीं मिलेगा, कोई कमी नबी की शान में नहीं हो सकती। और अगर सारी दुनिया नबी की तारीफ करे तो इससे यह मत समझो कि नबी की शान बढ़ जाए। याद रखो, नबी नबी है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, और मेरा नबी सिर्फ नबी है, मेरा रसूल सिर्फ रसूल नहीं, वो अल्लाह का महबूब है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अभी मॉरिशस का मुसलमान नबी से बहुत कुछ करना है, और आप लोग, हमारा जो ये आइलैंड है, ये डेमोक्रेसी स्टेज से गुजर रहा है, यहां डेमोक्रेसी आ चुकी है। मुसलमानों, मुबारक हो, आज का दिन मेमोरेबल डे है। आज आप लोगों ने यह साबित किया कि आपको न
मोहब्बत रही मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनकी बात नहीं करता। आज की दुनिया में हर आदमी बिजी है, कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसके पास दुकान नहीं है, कौन सा आदमी है कि जिसके पास मकान नहीं है, हर आदमी बिजी है। लेकिन मुसलमानों तुम खुद नहीं आए, अल्लाह के रसूल ने तुमको बुलाया। क्या आप समझते हैं आप आ गए? आप नहीं आए, मेरे रब का करम है कि आ गए, उसके रसूल करीम का करम है कि वो आ गए, तुम आ गए। अगर वो करम न करते तो तुम नहीं आते, और जो लोग नहीं आए वो आप खुद सोचिए। मोयाज प्रोग्राम में तो जाना जरूरी है, बेटे की शादी में तो जाना जरूरी है, बेटी की शादी में जाना जरूरी है, लेकिन नबी का बर्थडे हो? सुनो, बात है जन्नत की, बात है जन्नत की गारंटी की, और बात है मगफिरत की। और ये मैं नहीं कहता, अल्लामा इब्ने हजर ने भी यही कहा, ये मैं नहीं कहता, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने भी यही कहा, ये मैं नहीं कहता, उलमा ने यही कहा है कि जो लोग ईद मिलादुन्नबी में आ गए उन्होंने ये साबित किया और जाहिर कर दिया कि उनका ताल्लुक प्यारे नबी से है। और जानते हो कि नबी का मिलाद और ईद मिलादुन्नबी में शिरकत, तो जलालुद्दीन सुयूती ने कहा है रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि अबू लहब अगर ईद मिलाद में की खुशी में, अगर ईद मिलादुन्नबी की खुशी का इजहार अबू लहब करे तो उसको जहन्नम में मेरे दोस्तों थोड़ा सा शरबत और थोड़ा सा सुकून जहन्नम में एक काफिर को मिलता है, क्योंकि नबी की विलादत की खुशी में उसने हिस्सा लिया। अल्लामा सुयूती फरमाते हैं कि अगर तुम अगर नबी की ईद मिलाद मनाओ, नबी के जश्न ईद मिलाद नबी में शिरकत करो, तो फरमाते हैं कि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला नबी की विलादत के जलसे में शरीक होने की वजह से अल्लाह ताला तुमको जन्नत का फरमाएगा। मेरे दोस्तों, मॉरिशस का मुसलमान मेरी से बहुत खुला है, अभी सिर्फ ये तमाशा देखना चाहता है, अभी ये रिलीजियस माइंडेड नहीं है, स्पिरिचुअल माइंडेड नहीं है। सुनो, इन मजलिसों में मुसलमान पहचाना जाता है, मुसलमान जाना जाता है कि मुसलमान कौन है, नबी से मोहब्बत करने वाला कौन है, नबी से किसका ताल्लुक है। इन मजलिसों में मुसलमान मेंशन होता है, उसकी सूरत से पहचाना जाता है, उसके एक्शन से पहचाना जाता है। जो लोग आ गए मुबारक हो, क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया। ये सिलेक्शन डे है, ये इलेक्शन डे है, नबी की मजलिस में आना। आप क्या आएंगे और मैं क्या आऊंगा मेरे दोस्तों, वहां तो आने वाले 70,000 मॉर्निंग एंड 70,000 इवनिंग। है कोई ऐसा डीलर बताओ, है आपके पास कोई ऐसा डीलर? मैं लीडर की बात नहीं करता, मैं सियासत की बात नहीं करता, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, नबी की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, नबी के इश्क की बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन डे है, नबी की मोहब्बत का इजहार करने वालों जो यहाँ आ गए, आपने साबित किया कि हमें नबी से मोहब्बत है। नबी की मोहब्बत जो आदमी किसी से मोहब्बत करता है वो उसका नाम लेता है, उसका जिक्र करता है। और फिर एक बात अजीब है, तुम खुद फैसला करो कि मरने के बाद कहां जाओगे। मरने के बाद यहां तो मेरे दोस्तों लाकात और मकान और बिल्डिंग के सब आसान है, दुकान में भी जाएगी,
यहाँ वोट भी मिल जाएगी और मिल जाएगा, नोट भी मिल जाएगा। वोट लेना भी आसान है और नोट लेना भी आसान है, लेकिन नबी की मोहब्बत आसान है। नबी की मोहब्बत सबको नहीं मिलती, उसको मिलती है जिसको अल्लाह चाहते। नबी की मोहब्बत सबको नहीं मिलती, उसको मिलती है जिसको उसका रसूल चाहे। और नबी की मोहब्बत सबको नहीं मिलती, मुझ जैसे फकीर कादरी को मिल सकती है, तो उसको मिलती है कि जिसको मेरा गौस चाहे। और उस सुन्नी को मिलती है कि जिसके दिल में इमाम मोहम्मद रज़ा की अकीदत और मोहब्बत हो। इसलिए हमारी जो मीटिंग है मेरे दोस्तों, ये क्रीम है, क्रियर है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है। इसलिए ये दीवाने सुबह से बिदासों से अपने काम से चलकर यहां पहुंचे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि अगर मॉरिशस का मुसलमान मुसलमान है और सच्चा पक्का मुसलमान है, तो हर मुसलमान को आज के दिन नबी की विलादत का जन्म मनाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको सोचना चाहिए कि वो कैसे मुसलमान है। अमेरिका का मुसलमान वो भी यही कहता है कि नबी की मोहब्बत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया का मुसलमान वो भी ये कहता है कि नबी की मोहब्बत जरूरी है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जानते हो नबी की मोहब्बत का रिजल्ट क्या है? इशा फरमाया कि मां अंता मा मन अहबबता, यह हदीस है। हर आदमी मोहब्बत से पहचाना जाता है। माइंड योर बिजनेस, सी योर सेल्फ, लुक एट योर हार्ट, अपने दिल को देखो कि तुम्हारे दिल में कौन बैठा हुआ। लेकिन देखो तुम्हारे दिल में कौन बैठा हुआ, और फिर यही नहीं, यह भी देखो कि तुम यहां किसके लिए आए। अगर नबी की मोहब्बत में आए तो मुबारक हो, और अगर इसके अलावा कुछ है तो मेरे दोस्तों, नबी को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। हदीस का फैसला यह है कि अगर तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो मरने के बाद भी तुम नबी की मजलिस में होगे, नबी की महफिल में होगे। सुनो सुनो, ये ईदगाह की मजलिस ये किसी आदमी की मजलिस नहीं, वैली पीतो में रहने वाले आदमी की मजलिस नहीं, पोर्ट लुइस वालों की मजलिस नहीं, मॉरिशस वालों की मजलिस नहीं, ये मजलिस है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये महफिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, ये मीटिंग है नबी के जश्न विलादत की। इसलिए अगर तुम नबी के लिए यहाँ आए तो कयामत में भी नबी के लिए उठोगे। मौत के वक्त मेरे दोस्तों, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, न पैसा आएगा, न खेशी आएगा, न बिरादरी आएगी, न नबी, न कोई दोस्त आएगा। अगर कोई जात आएगी तो नबी जलवा फरमाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इसलिए आज आप यहां आए, और हदीस मैंने पढ़ी है कि अंतमा मन अबता, तुम्हें जिसके साथ मोहब्बत होगी मरने के बाद भी वही होगा, कयामत में वही होगा, हशर में, नशर में, पुलसिरात में, जहां जाओगे नबी तुम्हारे साथ है। इसलिए उससे मोहब्बत करो कि जो सारी उम्मत की मोहब्बत कर रहा है, जिसके दिल में सारी उम्मती और सारी उम्मत की मोहब्बत है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मुसलमानों, आपको पर्सनल सेफ्टी चाहिए, आपको नेशन सेफ्टी चाहिए, आपको हाउस सेफ्टी चाहिए, फैमिली सेफ्टी चाहिए। हर मुसलमान ये चाहता है, उसे सेफ्टी चाहिए। याद रखो, दुनिया में कोई किसी को सेफ्टी नहीं दे सकता,
شرف کی اگر لینی ہے تو اللہ سے لو، اس کے حضور سے لو۔ مسلمان کسی سے بھیک نہیں مانگتا، مسلمان بیگم نہیں ہے، مسلمان سائل نہیں ہے، مسلمان اگر بھکاری ہے تو اپنے رسول کا بھکاری ہے۔ اسی لیے میں اسٹیلیا سے حضرے کو آیا، اور جو کچھ یہاں آپ لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، لیکن یاد رکھو کہ آئندہ جشن عید میلاد النبی میں ہر مسلمان یہ کوشش کرو کہ کوئی مسلمان گھر میں نہیں رہے، اس کو باہر نکل کر کے نبی کے جشن ولادت میں شرکت کرنا۔ اگر مسلمان اس ملک میں عزت چاہتا ہے تو نبی کا نام لے، اگر مسلمان زندگی چاہتا ہے تو نبی کا نام لے، اگر مسلمان میرے دوستو مکان چاہتا ہے، دکان چاہتا ہے، اگر مسلمان کس چاہتے کہ پیسہ اس کو چاہیے تو نبی کا نام لو۔ نبی کے نام کے بغیر نہ زندگی ہے، نہ عزت ہے، نہ رسپیکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو زندہ رکھو اور تمہاری فیملی زندہ رہے تو نبی کا نام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ مختصر سا معروضہ تھا۔ ہمارے یہ نوجوان علماء ہر جمعے کو اسے سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ میں تو بولتے بولتے 1965 سے میں بول رہا ہوں، اور اب 1991 ہے۔ اتنے سال ہو گئے بولتے ہوئے، خدا کا شکر ہے کہ میں نا امید نہیں ہوں۔ اور نا امید کیوں ہوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ ہمیں تو لوگوں کے لیے کچھ کرنا نہیں۔ اگر سارا موریشس یہاں جمع ہو جائے تو اس میں ہمارا کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اور اگر کوئی بھی نہ آئے تو ہمیں کوئی کام۔ اگر ایک آدمی بھی یہاں نہ آئے تو میرا مزاج یہ ہے، میرا نیچر یہ ہے کہ یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے نہیں کیا ہے، پیارے نبی کے لیے، پیارے رسول کے لیے کیا ہے، آمنہ کے لال کے لیے کیا، عبداللہ کے بیٹے کے لیے کیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دیگر ہاتھ کے لیے کیا ہے۔ اس لیے اگر وہ راضی ہے تو میرے دوستو ہماری محنت کام آ گئی، اور ہماری محنت نہیں میرے دوستو ان کا کام، ہماری کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ عزیزو اور دوستو، یہ سلیکشن ڈے تھا، اللہ نے آپ کو چن لیا، اور نبی کو بھی میرے دوستو ساری خدائی میں اللہ نے چنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ اشارہ اللہ رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، مرشد مولانا محمد ابراہیم کشتار صاحب زندہ باد۔ ان کا دین بھی ایک ہے، ان کا راستہ بھی ایک ہے، مذہب بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور ان کا جو امتی ہے وہ بھی ایک ہے۔ اور انہوں نے یہ چنا ہے، خدا سے دعا کرو، شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو چن لیا۔ آمین۔ آج کا نعرہ عید میلاد النبی زندہ باد، اور آج کا سلام السلام علیکم عید میلاد النبی مبارک۔ ہر سنی جس مسلمان سے ملے عید میلاد النبی مبارک ہو، گھروں میں عید میلاد النبی، پنڈالوں میں عید میلاد النبی، تاکہ جو لوگ نہیں آئے ان کو معلوم ہو جائے کہ آج کون سا دن ہے، اور آج عید میلاد النبی کا دن ہے۔ اے رب کریم، عید میلاد النبی منانے والوں کو دین کی بھی عید عطا فرما، دنیا کا بھی عید عطا فرما، یہاں بھی یہ شاد و آباد رہے اور وہاں بھی شاد و آباد رہے۔ عزیزوں اور دوستوں، وقت ہو چکا ہے، کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام۔